और पटना के ज्ञान भवन में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। आज और कल ये समिट चलेगा और इस बीच ज्ञान भवन के इन्वेस्टर्स समिट में उद्योग मंत्री समीर महासेठ संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। पांच दिन अगर परेशान करता है पांच दिन के बारिश से तो उसको पॉजिटिव लेकर चलिए कि अभी शाप है तो हम वरदान में कैसे बदले। विशेष राज्य की दर्जा की बात अगर मैक्सिमम हम इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देना चाहते हैं आज हम जितना दे रहे हैं उससे और आगे देने का संकल्प लीजिए। इसलिए विशेष राज्य की दर्जा क्या डिमांड है 10% 20% हम लगाएंगे 80% दूसरे रिसोर्सेज से लेकर के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा एसईजेड है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है पूरे बिहार छोड़ करके सब जगह है लेकिन जो कहीं भी अगर कोई कमी है तो भारत सरकार से भी आग्रह है कि आप नीतियों का थोड़ा सा फिर से देख लीजिए और आगे बढ़िए। बिहार को आगे बढ़ाएंगे तभी देश बढ़ेगा। बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बिल्कुल सही कहा माननीय मंत्री महोदय ने कि बिहार बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा और सभी हमारे जो भी बाहर चले गए उनको उन्होंने आप लोगों के बीच पुनः बिहार लौटने की बात कही है। तो कम टू बिहार इन्वेस्ट इन बिहार और अब एमओयू साइन किया जाएगा और इसके लिए सबसे पहले मैं सैवी लेदर्स के विजय कुमार झा उन्हें आमंत्रित करती हूँ और ये एमओयू साइन होगा। हमारे एसीएस सर यहाँ पर हैं। लगभग 274 करोड़ 274 करोड़ ये जो प्रोजेक्ट है 274 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये साइन हो रहा है माननीय मंत्री महोदय और हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री संदीप बॉन्ड्रिक सर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के और एमओयू साइन हो रहा है सैवी लेदर्स के साथ श्री विजय कुमार झा। जोरदार तालियों के साथ इस शुभ घड़ी का स्वागत कीजिए बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 इस ऐतिहासिक क्षण पर। और अब मैं आमंत्रित करूंगी कोमल टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड के श्री सुरेश कुमार। सेक्टर है टेक्सटाइल एंड लेदर और लगभग 100.50 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है 100.50 करोड़ ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है और श्री सुरेश कुमार जी जो कोमल टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड के हैं और हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री समीर कुमार महासेठ जी और हमारे